क्या हाल है दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश हैं मज़े में हैं खा रहे हैं पी रहे हैं स्वाद ले रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं मेरे से भी और दूसरों के चैनल से भी कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको आ, पढ़ाई से रिलेटेड क्योंकि जैसे कि आपने अगर मेरे पहले मतलब वीडियोस को अगर फॉलो किया है जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सीरीज मैंने यूएस में आकर पढ़ाई करी थी मैंने मतलब इंडिया से पढ़ाई करी थी मैंने एक्चुअली अपनी बी ए, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं बी की डिग्री करी थी मैंने डी से डेली यूनिवर्सिटी मेरा एक्चुअली जन्म जो था वो दिल्ली में हुआ था और मैं हरियाणा में रहा था बहुत साल सात आठ साल रहा था वहाँ मैंने स्कूलिंग सरकारी स्कूल से करी थी मतलब बहुत कुछ अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप जान सकते हैं मेरे साथ मतलब लफड़े ही बहुत हुए थे वीज़ा को लेके यहाँ आने में बड़े धक्केबाजी हुई थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंशन करी है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यू नो मेरी वीडियोज़ को देखेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे एक्चुअली सब्सक्राइब से याद आता है मुझे कि भाई लोगों को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि होता क्या है अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मतलब यूट्यूब जो होता है मतलब वो मुझे रिजल्ट्स ख़राब देता है कि भाई तुम इतनी वीडियोस लगा रहे हो और तुम्हारे चैनल को मतलब कोई देख नहीं रहा या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो मतलब वो फिर वार्निंग्स देते हैं और फिर ऐसे में हो सकता है मुझे अपनी दुकान बंद भी करनी पड़ जाए <laughs> तो तो मैं तो इवन देख लो आपको पासपोर्ट भी दिखा रहा हूँ अपना बहुत यूट्यूबर्स होते हैं जो मतलब इतनी आपको नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते मैं तो आपको खुल के सारी बातें दिखा रहा हूँ बिल्कुल रियलिटी यू you नो know, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा हूँ मैं तो क्लियर आपको पासपोर्ट वासपोर्ट दिखा रहा हूँ अपने कि मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं तो आव, इवन आपको ऑनलाइन अकाउंट्स दिखा रहा हूँ सारे ऑनलाइन कैसे क्या होता है मैं तो सब कुछ ही दिखा रहा हूँ यू नो मतलब कुल्लम खुल्ला काम हो रहा है यहाँ तो 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 कोशिश करता हूँ कि आप लोग यू नो मेरी वीडियोस को देखेंगे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मुझे सपोर्ट मिले और फिर मैं यू you नो know, आने वाले टाइम में ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ ताकि यू you नो know, इस चैनल से कुछ बेनिफिट हो आप सबका तो एनी वे शुरू करते हैं इस वीडियो को तो हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो हो क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा लेकिन लेट्स सी कितना टाइम लगता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी जो पढ़ाई थी दिल्ली से करी थी बी की मैंने डिग्री करी थी ओपन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मतलब मैं कॉरस्पॉन्डेंस जो था मेरी नौकरी कर रहा था मैं उस टाइम दिल्ली में गुड़गांव में साइड डी साइड तो मेरी जॉब चल रही थी और मैं साथ साथ मतलब पढ़ाई कर रहा था घर से या ऑफिस से जो भी है और सिर्फ मैं पेपर देने जाता था और ऐसे करके धक्का मुक्की मार के मैं पास हुआ और जैसे कि आप लोग अगर जानते भी हो मैं कोई पढ़ाई में कोई ना कोई कहता ना अव्वल नंबर पर आने वाला बंदा नहीं था मतलब मैं तो एवरेज की अपने जी तैतीस नंबर आ गए पास हो गए तो मैं तो उसी में बहुत खुश होता तो मेरी उम्मीद तो यही रहती थी कि जी भगवान मुझे बस पास करा दे ताकि मेरी अच्छी से अच्छी जॉब लग जाए इंडिया में कॉल सेंटर में यू की तो मैंने कभी सोची नहीं थी कितनी ऊपर मेरा कभी ख्वाब गए नहीं तो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की यू नो विशेज़ पूरी हुई है हो और यू या बाहर आकर आने का आपका ड्रीम हो कोई सपना हो बाहर आने का तो उम्मीद करता हूँ कि वो पूरा हो और आप बाहर आए और पढ़ाई भी करें तो अगेन ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ के मैंने सीखी हैं स्पेशली पढ़ाई से रिलेटेड क्योंकि जब मैं इंडिया से डिग्री लेके आ गया मुझे क्या पता बाहर जाके क्या प्रोसेस होता है पढ़ाई करने का ठीक है कितने पैसे लगते हैं क्या कुछ होता है तो हो सकता है मैं आने वाले टाइम में उसमें और वीडियोस बनाऊंगा यहाँ के एडमिशन कैसे लेते हैं आप कॉलेज़ में तो उससे पहले शुरू करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अपनी डिग्रीज पहले ओके देखो मैं खुल्लम खुल्ला काम करता हूँ मैं छुपा छुपू के काम करने वाला बंदा नहीं हूँ मैं आपको सारी अपनी डिग्रीज दिखाता हूँ पहले तो तो मैंने देखो यहाँ पे अपने अपने रोल नंबर वो नंबर छुपा दी क्योंकि पता नहीं अपने दिल्ली में बहुत आ, इंडिया में बड़े तिगड़म खान लोग बैठे हैं कुछ नहीं पता मेरे रोल नंबर को यूज़ करके मेरी ही दोबारा से डिग्री <laughs> निकाल के उसी को चला के चल बेटे एक और आगे हमारा बी की डिग्री तो कुछ नहीं पता जी तो मैंने अपने रोल नंबर वोल नंबर सब छुपा दिए मेरे को तो कोई ऐसा यूज़ नहीं है इनका अब लेकिन मैंने कहा कोई नहीं छुपा हटा हटा देता हूँ तो मैंने हटा दी बाकी देख सकते हैं ये है मेरी बी की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट तो बहुत लोगों ने देखी होगी ऐसे सिमिलर ही है अपने इंडिया में आप कहीं से ही पढ़ाई करेंगे तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है तो ये मेरी बी की फर्स्ट मार्कशीट uh, है फर्स्ट ईयर की और ये है मेरी सेकेंड ईयर की मार्कशीट तो सब कुछ देख सकते हैं इसमें क्लियर मेरे नंबर भी देख सकते हो आप नंबर भी कोई मैंने बताया ना मैं कोई बहुत होशियार बंदा नहीं था मैंने पढ़ाई करके बस पास हो जाओ जी वही बहुत है सो so, में से मेरे 36 नंबर आए हैं मैं तो यही खुश था कि चलो 33 मतलब फेल नहीं हुआ मैं <laughs> और ये है मेरी थर्ड ईयर की फ़ेल मार्कशीट तो मुझे भी हंसी भी आ रही थी जब मैं अपनी ही मार्कशीट को देख रहा था मैं तो भूल भी गया था मैं फेल भी हुआ था क्योंकि मुझे यही समझ नहीं आता कि यार मैं 2006 में शुरू करा 2010 में क्यों मैंने कंप्लीट करी थी अपनी सारी पढ़ाई तो मेरे अब याद आ रहे हैं मैं तो फेल भी हो गया था भाई अच्छा फेल के ऊपर भी मैं आपको थोड़ी एक कहानी बताता हूँ मैं एक्चुअली मैं चिटिंग कर रहा था मैं पर्ची मार रहा था <laughs> तो अच्छा मैं एक आपको एक टिप्स भी दूंगा इस वीडियो में आने वाले यू नो एंड में जैसे असम वीडियो में आप बढ़ाएंगे तो आपको पैसा ही बचाएगा वो टिप्स जब आपको यू नो ट्रांसफर कराएंगे डिग्री विग्री सारा कुछ मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप्स भी दूंगा जो बहुत लोग नहीं बताते या नहीं पता होती लोगों को तो एनी anyway, वे मैं यहाँ पर्ची कर रहा था और पर्ची करते करते मुझे पकड़ा गया था तो फ्लाइंग वाले आ गए थे मुझे पकड़ के उन्होंने मेरे ऊपर केस बना दिया था तो केस बनाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला भाई तुम्हारा हम रिजेक्ट मार रहे सारे के सारे सारे पेपर मतलब देखो जी साफ़ कहना सुखी रहना मैं नकल तो सारे उसमें ही कर रहा था सारे यू नो नकल मार के ही पास हुआ टू बी ऑनेस्ट तो नकल तो मैं हर उसमें मार रहा था लेकिन एक में पकड़ा गया अब पकड़ा गया उसने मुझे सारे उसमें फ़ेल कर दिया सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल कर दिया था तो ये मुझे थर्ड वाली अगर ये मैं नहीं पकड़ा जाता ना तो मैं पास हो जाता तो मुझे बड़ा मतलब अफसोस हो रहा था उस टाइम पर तो तो ये इसमें मैं देख सकती हूँ फेल हो गया था इस वाली में ये मेरी फेल की मार्कशीट है उसके बाद फिर मैंने दोबारा से पेपर वेपर दिए और फिर दोबारा जाके मैं पास हो गया था तो ये मेरी पास वाली है तो आप देख सकते हैं तो एनी anyway, वे ये करवाया मैंने सब कुछ उसके बाद मेरी डिग्री आई थी डिग्री आने में एक दो साल लगते हैं ये मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है और अपने सिंपल कॉन्सेप्ट है ये मेरी डिग्री आ गई थी अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पढ़ाई करने के लिए क्या होता है देखो आप मान लो ये डिग्री लेके यूएस में आ गए मेरे केस में क्या हुआ था मैं तो अपनी वाइफ के थ्रू आया था अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो, तो मैं यहाँ कोई पढ़ाई के सिलसिले में तो आया नहीं था मैं तो यहाँ पे इमिग्रेंट वीज़ा पे आया था मेरी वाइफ से मेरी मतलब यहाँ से थी मेरी मैं यूएस में आया और फिर मेरी शादी वादी गई थी तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा था कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगा पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ाई करूँगा तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जॉब करने आते हैं यू में है ना नौकरी वोकरी के थ्रू आते हैं तो बहुत ऑप्शन है यहाँ पर ठीक है आप यहाँ पे आके सीधा पढ़ाई भी कर सकते हैं तो पढ़ाई में क्या होता है आपको फिर जो 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 यूनिवर्सिटी वाले होते हैं फिर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं या आपका वो वीज़ा में सारा हेल्प करते हैं क्योंकि अब वो पढ़ाई के लिए आप वहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया अब जॉब से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो तो मैं यहाँ कभी सोच के आया नहीं था ठीक है तो मैंने यहाँ आने के बाद डिसाइड करा चलो जी मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं वो अगली आई थिंक कोई वीडियो बनाऊंगा कैसे क्या प्रोसेस होता है लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये जो डिग्रियाँ होती हैं यहाँ के कॉलेज में नहीं चलती क्यों क्योंकि इंडिया की डिग्री है आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें तो आप इवन हिंदी में ही लिखा है मेरा नाम वाम ठीक है तो ये वाले डिग्री को नहीं मानते भाई इनको क्या पता कि इंडिया की जो डिग्री है उसकी क्या वैल्यू है क्या औकात है अपने देसी भाषा में राइट उनको नहीं पता इसकी क्या औकात है तो होता क्या है इनको एक मीडिएटर चाहिए जो इंटरनेशनल डिग्रीज़ को ट्रांसफर करता है ये कहते हैं जी हमें कोई जो रेपुटेड कंपनी है यूएस की या कोई बड़ी कंपनी है वो हमें जब बोलेंगे ना यहाँ के कॉलेज बोलते हैं ये बात कि जब कोई हमें कोई बड़ी वाली कंपनी कोई बोलेगी ना कि जी इसकी इंडिया की या इसकी पाकिस्तान की या इसकी यू you नो know, चाइना की डिग्री है और उस डिग्री की ये औकात है यूएस के सिस्टम के साथ फिर वो एक रिपोर्ट बना के इनको देते हैं यहाँ के कॉलेज को फिर वो बताते हैं कि जी आपकी डिग्री की ये औकात है अगर आप यहाँ पे बैचलर डिग्री करना चाहते हो तो आपको ये 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 क्रेडिट्स करने पड़ेंगे ये ये क्लासें करनी पड़ेगी वो करने के बाद आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी यहाँ पे तो ये सब कुछ मेरे लिए फंडा नया था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या फंडा है यार तो बहुत नया नया सिस्टम है तो अच्छा यहाँ पे क्या होता है आपको सबसे पहले जाना पड़ता है अपने डी में जो भी आपका कॉलेज है वहाँ पे जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर कंट्री से आते हैं और पढ़ाई करते हैं इंडिया के अंदर वो पढ़ाई करने के बाद अपनी डिग्री को ऐसे कैसे ट्रांसफ़र कराते हैं यू में या ऑस्ट्रेलिया में जो भी उनकी कंट्री है वहाँ ट्रांसफ़र कराते हैं फिर वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था अब मुझे जाना था डी में पढ़ाई को अपनी ट्रांसफर कराने के लिए अच्छा यूएस में क्या होता है अगर आप यूएस में आने वाले टाइम में फ्यूचर में पढ़ाई करेंगे ना मान लो यहाँ से अपने बैचलर्स कर लिए एसोसिएट डिग्री कर ली तो यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद क्या होता है सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे सारे मतलब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज स्कूल सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सिर्फ आप ये डालोगे कि भाई मैंने फलाने स्कूल से अपनी दसवीं है या बारहवीं है मैंने एसोसिएट डिग्री करी है और मैं इस स्कूल में मैं जा रहा हूँ तो उसमें आप अपना यू नो ई एड्रेस अपना अपना नाम फ़ोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर एड्रेस वेड्रेस वो डालते हो वो आपको दो ऑप्शन देते हैं कि भाई आप सारा कुछ ई e ट्रांसफर अपने जो क्रेडिट्स हैं जो आपकी जो पढ़ाई है सारे ई e ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिजिकल ट्रांसफ़र तो होता क्या है ई e ट्रांसफ़र तो बहुत स्पीड से होता है एक दो घंटे तीन घंटे में क्या होता है एक फैक्स होता है जो एक स्कूल या कॉलेज दूसरे स्कूल या कॉलेज को भेजता है तो बहुत स्पीड से काम होते हैं सारे ये ई e ट्रांसफ़र बोलते हैं उसको तो वो सारा का सारा इन्फॉमेशन दूसरे कॉलेज और स्कूल में भेज देता है और फिजिकल में क्या होता है समझ सकते हो आप वो एक फिजिकली एक पेपर भेजते हैं लेटर सीधा कॉलेज टू कॉलेज होता है उसमें मतलब हम ना देख सकते हैं उन्होंने क्या भेजा ना वो हमें भेजते हैं एज़ फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे के ऐसे दूसरे कॉलेज स्कूल में भेजेंगे और उनके पास ट्रांसफर हो जाते हैं क्रेडिट तो ये यूएस में होता है ठीक है यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस सब मतलब इवन मैंने जब बैचलर मास्टर्स कर रहा था यहाँ पे सब बहुत कॉमन है चीज़ें बहुत आसान है अगर हम यहाँ स्कूलिंग करते हैं यू में यहाँ स्कूल से कॉलेज में सारे क्रेडिट ट्रांसफ़र कराना बहुत आसान है इतना आसान था मतलब पाँच या सात डॉलर लेते हैं वो और सब कुछ ट्रांसफ़र कर देते लेकिन हमारे केस में क्या था जी मैंने इंडिया से करी डिग्री अब ये ट्रांसफ़र नहीं करते ऐसी चीज़ें ठीक है इनके पास ऑप्शन नहीं है तो इंटरनेशनल पढ़ाई हो रही है अब तो अब इंटरनेशनल जा रहे हो तो मेरे केस में क्या था मुझे जाना था डी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये आप देख सकते हैं मैंने डी की वेबसाइट खोल दी है डी यू डॉट ए सी डॉट आई एन तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ट्रांसक्रिप्ट तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नई थी मेरे कोई समझ नहीं आ रहा है तो बड़ा नया फंडा यार तो यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे जाना पड़ता है आपको मैंने अभी ये ट्राई करा ये चल नहीं रहा लिंक ये देखो ये बार बार एरर दिखा रहा है डी की वेबसाइट पता नहीं मैं यू में हूँ इसलिए नहीं चल रहा और या फिर इनकी वेबसाइट डाउन है मुझे नहीं पता वो आप चेक कर लेना अपने वहाँ से तो इन्होंने मुझे फीस बताई थी ये रही देखो फीस भी ये रही अब ये क्या कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट फीस इफ अप्लाइड फ्रॉम विद इन इंडिया और विद इन फ्रॉम अप्लाइड फ्रॉम अब्रॉड अगर मैं इनको यू एस से भेजता हूँ कि जी मुझे ऐसे ऐसे अपनी पढ़ाई ट्रांसफ़र करानी तो मुझसे सौ डॉलर लेंगे ये और आई थिंक आज से जब आठ दस पहले साल पहले जब मैंने पढ़ाई करी तो यही लगभग लगभग फीस थी तो तो ये क्या कह रहे हैं अगर आप यू एस से भेजते हैं एप्लीकेशन तो सौ डॉलर लगेंगे अगर इंडिया से आप अपनी पढ़ाई को ट्रांसक्रिप्ट कराते हैं ट्रांसफर कराते हैं तो आपको हज़ार रुपये लगेंगे तो मैंने उस टाइम तो मेरी नौकरी भी नहीं चल रही थी ऐसी कोई खास ना तो मैंने कहा था यार ये या तो बड़े पैसे ले रहे हैं सौ डेढ़ सौ डॉलर ले रहे हैं तो मैंने अपने फादर को बोला था इंडिया में कि भाई आप जाओ डी में और इनको जाके बोलो कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट लेनी है ऐसे ऐसे तो फिर उन्होंने हमसे इंडिया में पैसे लिए थे हज़ार पंद्रह सौ रुपए ऐसे ही लिए थे बहुत सस्ता हिसाब किताब था तो मैंने दो बनवाई थी ट्रांसक्रिप्ट एक्चुअली तो वो करते क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ ये पैसे लेने के बाद आई थिंक दस या पंद्रह दिन का टाइम लगाते हैं ये एक सील्ड पैक एनवलप तैयार करते हैं बिल्कुल सील्ड पैक होता है मतलब एक आ, मतलब जो अपना लिफाफा होता है ना इंडिया में जो एनवल्प बोलते हैं उसमें डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो भी है वो डाल के उसको एक सील करके एक स्टैंप लगा देते हैं कि भाई ये पैकेट खोलना नहीं है ठीक है वो एक मतलब एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट इन्होंने बना दिया प्राइवेट डॉक्यूमेंट बना दिया कि वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और वो सीधा आपको यूनिवर्सिटी को या जहाँ भी आपकी डिग्री ट्रांसफर होगी वहां जाके आपको देना है ठीक है तो मैं आपको आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसक्रिप्ट होती कैसी है क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था कि वो होती कैसी दिखने में क्या होता है ये फन्ना या ऐसा ऐसा क्या बनाते हैं भाई ये मुझे भी नहीं पता था ठीक है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये तो ये मेरे को दिया था डी वालों ने मुझे क्या दिया था हमने दो पैकेट बनवाए थे आई थिंक हज़ार हज़ार जो भी था मुझे याद नहीं हज़ार या दो हज़ार हमारे लगे थे और ये काम देखो अगर आप आ रहे हैं यू में तो ये पहले ही करवाओ तो बढ़िया है मेरे केस में क्या था मैंने तो कभी पढ़ाई करके करने की सोच ही नहीं थी मैंने तो यू में आने के बाद ही सब डिसाइड किया था तो बड़ी दिक्कत हुई थी मेरे पापा को बार बार डी भागना पड़ रहा है वो हरियाणा में रहते हैं तो इतनी दूर जाना आना लोगों से बात करना ये है वो रोके तो प्रिंस को बुलाओ ये है वो है तो मतलब उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी तो बाकी एनी वे हमने बनवा ली थी तो ऐसा देते हैं वो ये अगेन सील्ड पैक एनवलप के अंदर आया था एक तो हमने दो बनवाई थी एक मैंने अपने अपने लिए बनवाई थी ताकि मैं अपने पास रख सकूं ताकि मुझे पता तो लगे कि होता क्या है और अगर आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ये हो तो एक मैंने अपने लिए अपने लिए बनवाई थी और एक हमने बनवाई थी कॉलेज के लिए मतलब जो हम जहाँ से ट्रांसफर कराई थी अब मैं आपको दिखाता हूँ जी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज जहाँ अच्छा ये सब आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो नहीं हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में मैं आपको कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर दूंगा ये देखो पोस्टेज चार्जेस भी लिख रखे हैं विद इन इंडिया तो अगर आप इंडिया में मंगवाते हो तो 50 पाँच सौ लेते हैं ये आपको कहीं भी होगा आपको भेज देंगे मेल के थ्रू और अगर बाहर कंट्री में मंगवाते हैं तो ये 50 डॉलर लेंगे यूएस में तो देखो काफ़ी महंगा हो गया कंपेयर टू तो हज़ार पंद्रह सौ रुपये वर्सेज़ वन डॉलर्स मतलब 150 हो गए आपके 12000 हज़ार कहाँ पंद्रह सौ कहाँ बारह तेरह हज़ार रुपये तो बहुत फ़र्क हो गया तो यहाँ पर आ जाओ जी ये है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज तो मैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे गया था उस टाइम पे और मैंने रिसर्च करी और मैंने पैसे वैसे सबके चेक करे ठीक है सब कुछ देखने के बाद मैंने डिसाइड करा यह वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसज का फंडा बहुत बढ़िया था तो मैंने इस वेबसाइट के साथ जाना शुरू करा और अच्छा एक और अच्छी बात बताऊंगा आपको इस वेबसाइट या किसी भी सिमिलर वेबसाइट्स पे जाने से पहले अपने कॉलेज से बात कर लो ठीक है उनको ये बोलो जी मैं इस वेबसाइट को देख रहा हूँ वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज आप इनके क्रेडिट एक्सेप्ट करते हो या इनके ट्रांसफर जो वो रिपोर्ट बना के देंगे इवेल्युएशन जो देंगे आपकी डिग्री की डू यू एक्सेप्ट दिस एक बार उनसे कन्फर्म कर लो क्योंकि ये दो सौ डॉलर आपसे लेंगे ट्रांसफर कराने के ठीक है वो मान लो पैसे ले लें वो रिपोर्ट भी बना के सब कुछ करके ट्रांसफ़र करे और वहाँ पता लगे जी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है तो ये चीज़ें वेरीफाई कर लेना पहले पैसे देने से पहले ठीक है तो अच्छा मेरे केस में क्या हुआ था अब जैसे उन्होंने मेरे को एनवलप बना के दिया तो मेरे फादर ने मुझे भेजे दो एनवलप्स एक मेरे लिए और एक कॉलेज के लिए या इसके लिए वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज तो मैंने ये अपना एड्रेस देते हैं इस अच्छा ऑनलाइन नहीं मांगते हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है एट दिस पॉइंट तो इनको आप चिट्ठी में डाल के भेजते हैं तो मैंने यहाँ से यू की यूएस में फिर इनको डॉक्यूमेंट भेजा वो पाँच चार दिन में डिलीवर हो गया था और इन्होंने दो चार दिन में पाँच दिन मुझे याद नहीं मतलब पाँच सात दिन में रिपोर्ट बना के तैयार करते हैं ये ऑनलाइन दिखाते हैं कि तुम्हारी डिग्री की मतलब वैल्यू क्या है उसे बोलते हैं इवेल्युएशन ये बोलते हैं कि आपकी डिग्री की इवेलुएशन ये है ठीक है फिर ये ट्रांसफर करते हैं सारे के सारे क्रेडिट जो ट्रांसफर्स हैं वो सब करते हैं आपके कॉलेज में जो एक्चुअल कॉलेज है जहाँ पर आप पढ़ाई करने जाएंगे ये उनको ट्रांसफर करेंगे फिर उस कॉलेज का जो एडवाइजर होगा वो आपको बोलेगा जी अगर आपको बीए करनी है या मास्टर्स करनी है या बैचलर ऑफ साइंस करनी है या पीएचडी करनी है जो भी करना है आपकी वैल्यूशन के बेस पे हमारे कॉलेज में सब कुछ होने के बाद आपको ये करना पड़ेगा बिफोर वी गिव यू द डिग्री तो ये प्रोसेस होता है ठीक है सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट की क्या है यहाँ पे सिंपल आप अपना अकाउंट वकाउंट बना लेना कोई ऐसा फंडा नहीं है इसमें आप गूगल में जाकर डालोगे ना देखो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज़ ये डाला ना इसे डब्ल्यू ई एस बोलते हैं शॉर्ट में डब्ल्यू ई एस डॉट और ये जाके सिंपल अपना लॉग इन करो देखो ये दो तीन कंट्रीज मैंने तो ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है ये देखो लिख लिखा भी हुआ है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बाई डॉक्यूमेंट थ्री डेज है कोर्स बाय कोर्स एट डेज और अपना ये सिक्स डेज ये फंडा आप सब चेक कर लेना अच्छा इनकी वेबसाइट पर एक अच्छी चीज़ क्या है ये आपको फ्री वो देते हैं रिव्यू क्या बोलते हैं राइट टर्न क्या है उसकी आई थिंक फ्री वो देते हैं ये हाँ प्रीव्यू इंटरनेशनल डिग्री प्रीव्यू ये बहुत अच्छा है। ये देखो मैं आपको अपना ऑर्डर भी दिखाता हूँ यहाँ मैं आपको टिप्स दूंगा एंड में आ, ये मुझे लॉग इन लौग बोल रहा है ये मेरी एक्चुअली पुरानी ईमेल एड्रेस है तो अच्छा अब कहाँ पे था मैं हु, हाँ मैं इसमें आपको बाद में एक टिप भी दूँगा ये देखो मेरा ऑर्डर कैंसिल दिखा रहा है इसमें और मैं इस पर क्लिक करता हूँ खाई चलो कोई बात नहीं मैं आपको एक टिप्स दूंगा बाद में एनी वे anyway, इस पे आ जाओ जी देखो ये बता रहे इंटरनेशनल डिग्री प्रीव्यू यहाँ पे पैसे देने से पहले या पहले ट्रांसफ़र कराने से पहले इवन आप इंडिया में बैठे बैठे भी इस पर यह चेक कर सकते हो कि जो आपकी डिग्री की वो क्या वैल्यू है यूएस में और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत पहले ही देखें वो अच्छा है कि अगर आप मान लो आपके फ्यूचर प्लान्स है कि मैं बाहर जाने वाले टाइम में यूएस जाऊंगा या कनाडा जाऊंगा या कहीं और कंट्री में जाऊंगा तो आप पहले सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे डिग्री करने के लिए इंडिया में कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी या आपको क्या डिवीजन आनी पड़ेगी या कितने मार्क्स आने पड़ेंगे जो उसकी वो एक वैल्यू होगी यू में ये चीज़ें देखो मेरे को बहुत मतलब मुझे आइडिया ही नहीं था यार मतलब मुझे क्या सपने आ रहे हैं मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है इवेल्यूएशन ट्रांसफ़र क्रेडिट ये चीज ये भी कोई किसी चिड़िया कबूतर का नाम होता है मुझे तो ये भी नहीं पता था तो एनीवे वे इसमें जाएंगे हम देखो इंटरनेशनल डिग्री प्रीव्यू में यहाँ पर कह रहा है सी वट योर डिग्री इज़ इक्वल टू इन द यू एस भाई आपकी डिग्री की बोले तो क्या औकात है यूएस में बेसिकली अच्छा यहाँ पर आगे जी अब ये कह रहा है अपना मतलब ये सब एक फ्री फंड है इसमें कुछ वो नहीं है तो मैं कुछ भी डाल सकते हैं इसमें आप डाल दो लो लास्ट इसमें डाल दिया मैंने फर्स्ट कुछ में अपना नाम वाम डाल दो अब कह रहे हैं वट इज योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस इसमें डालोगे आप कि मैं यूएस में रहता हूँ या कैनेडा में रहता हूँ इसमें जो भी आपका है तो अपना यू एस डालो मतलब आने से पहले भी आप इसमें डाल सकते हो कि भाई यूएस में तो आप कराओगे राइट जो भी कराओगे इसमें कुछ भी डाल दिया मैंने मैंने कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी इसमें डाल दो ए बी सी डी एट याहू डॉट कॉम ये तो ऐसे में डाल रहा हूँ अच्छा इसको भी छोड़ो उसको डालो जी कंटिन्यू अच्छा देखो अब ये कह रहा है कंट्री ऑफ एजुकेशन कि आपने कौन सी कंट्री में पढ़ाई करी है कंट्री ऑफ एजुकेशन तो मैंने करी थी इंडिया से तो इंडिया डाल दिया मैंने इसमें अब कह रहा है नेम ऑफ डिग्री अब ये अपने आप ऑलरेडी तुमको इंडिया का फंडा दिखाएगा सारा तो ये देखो सारी इंडिया की डिग्री आ गई है बैचलर्स की और ये मास्टर्स की तो यही डिग्रिया दिखा रहा है ये इसमें आप देख सकते हो कि आपकी डिग्री है या नहीं है तो मैंने करी थी बीए की डिग्री तो मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स दबा दिया मेजर ऐसा कोई मेरा मेजर था नहीं छोड़ दो जी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्टडी तीन या चार साल जो भी है देखो तो तीन अपने आप ही ये मिनिमम दिखा रहा है क्योंकि उसको पता तीन है तीन साल मिनिमम लगते हैं तीन ईयर कम से कम तो तीन ईयर दबा दिया मैंने अब ये कह रहा है देखो जी डिग्री क्लास डिवीजन मेरी आई थिंक थर्ड डिवीजन थी तो जो भी आपकी डिवीजन है वो दबा देना अच्छा अब देखो ये कह रहा है यूनिवर्सिटी अटेंडेड कौन सी आपने यूनिवर्सिटी करी है अब देखो उसको सारा इसके डेटा में सब कुछ है तो मैंने दिल्ली लिखा और ये मैंने सर्च मारा तो देखो अपने आप लिखा आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली या फिर डी आ गया अपना ये मैंने इस पर क्लिक करा और ये कंटिन्यू अब ये कह रहा है कन्फर्म कर लो जी सब कुछ ठीक है जो आपने डाला है वो सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है ना हाँ भाई सब कुछ सही है इसे कर दो कंटिन्यू देखो रिव्यू केयरफुली सब कुछ देख लो जी केयरफुली हाँ भाई सही है सेट है और ये देखो आगे हेयर योर फ्री वेस्ट डिग्री एवेल्यूशन तो ये कह रहे हैं जी इक्वलेंसी इन द यू एस थ्री ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री अब ये क्या कह रहा है आपकी जो औकात है मतलब जो डिग्री की एक वैल्यू है यू एस में वो ये कह रहा है थ्री ईयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री तो ये मुझे नहीं कह रहा कि बैचलर डिग्री उसकी वैल्यू है देखो ये बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ समझनी पड़ेगी बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने इंडिया में बैचलर कर दी तो मैं यू एस में जाके मास्टर्स करूँगा जी मेरी बैचलर तो हो गई सर समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत पॉइंट है इंडिया में बैचलर हुई है उसका मतलब ये नहीं कि यूएस में बैचलर होगी क्योंकि दोनों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलग अलग है वो दोनों अलग अलग चीज़ें मानते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसमें आप जो भी आपकी वैल्यूएशन है वो सब डाल के चेक कर सकते हो अब यहाँ के कॉलेज में जाएगा कि भाई इन जो हमारी इंडिया की डिग्री है उसकी वैल्यू है ये थ्री ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री ये ग्रेजुएट नहीं है ग्रेजुएट होता है जिसकी ग्रेजुएशन हो गई जिसको बैचलर मिल गई तो ये अंडर मान रहा है आपको तो मेरे केस में यही हुआ था जैसे कि आप देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लासेस करनी पड़ी थी वो करने के बाद मुझे मिली थी यहाँ की बैचलर डिग्री पहले मैं यहाँ पे छोटे कॉलेज में गया था वहाँ पे इन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें इंग्लिश वन वन मैथ वन वन ये बेसिक क्लासेस करनी है ताकि तुम्हें एसोसिएट डिग्री मिलेगी यूएस की ये भी बिल्कुल नया फंडा था मेरे लिए तो मुझे यहाँ पहले एसोसिएट डिग्री करनी पड़ी और ये सब ट्रांसफ़र कराने के बाद फिर मुझे बड़े कॉलेज में जाना पड़ा जहाँ पे मुझे बोला कि आपको ये दो चार क्लासें बेसिक करनी पड़ेगी नहीं सॉरी मैंने आईटी आईटी करने की डिसाइड करा था तो मुझे पूरा का पूरा काफ़ी बारह पंद्रह क्लासें थी मैंने वो सारी करी दोबारा से आ, मतलब वो आई की पढ़ाई थी इंडिया में तो मैंने करी नहीं थी आई की पढ़ाई वो सारी क्लासे करने के बाद फिर मुझे यहाँ की मिली थी बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन आईटी थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिर मुझे वो डिग्री मिली थी और आने वाले टाइम में फिर मैंने फ्यूचर में अपनी मास्टर्स करी थी मास्टर्स में बहुत ईजी प्रोसेस था एज फार एज ट्रांसफरिंग द क्रेडिट वो सब ट्रांसफर हो गए थे क्रेडिट फिर मैंने अपनी मास्टर्स करी थी यहाँ पे तो ये होता है जी आपका पूरा प्रोसेस तो ये सब आपको अगर पैसे आप अच्छा इनकी वेबसाइट पे जाओगे आप यहाँ पे स्टार्ट यूएस एप्लीकेशन करोगे सब चीज़ें डालोगे ठीक है वो पैसे वैसे बोलेंगे आपको इतने पैसे लगेंगे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे दो सब कुछ लेन देन करो सब करने के बाद फिर कहेंगे ये हमारा एड्रेस है इस एड्रेस पर भेजो अपने तुम अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो डी से आई है फिर आप वो भेजोगे उनके पास फिर पाँच चार दिन में वो कहेंगे ये आपकी हमारी रिपोर्ट बन गई है वो रिपोर्ट बनने के बाद वो आपको ई मेल पर ही भेजेंगे क्योंकि अब वो कोई ऐसा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट नहीं है वो कहेंगे ये आपकी डिग्री की इवेल्यूशन है फिर आप उसको ऐसे के कैसे बेलव्यू में या जो भी आपका कॉलेज है उसमें आप ट्रांसफ़र करवाओ और आगे पढ़ाई करो ठीक है उम्मीद करता हूँ आपने बहुत चीज़ें इससे सीखी हैं लेकिन मैं अब आप आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको टिप्स की बात कर रहा था एक अच्छा टिप्स का क्या है मैं आपको अपनी दिखाता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री ये देखो ये है मेरी ऑर्डर हिस्ट्री जो मैंने देखो ये मेरा देख सकते हो ये देखो मेट्रो कम्युनिटी कॉलेज हाँ यही है इसी में गया था मैंने बताया ना बेसिक क्लासेस कर रहा था मैं अच्छा अब आप देख सकते हो कि जो क्रेडिट कार्ड ट्रा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है ये दिखा रहा है जून पंद्रह अच्छा यहाँ पे होता है एम एम डी डी का फॉर्मेट तो पहले होता है मंथ फिर डेट फिर ईयर तो ये मत सोचना ये जो भी उल्टा मत सोचना मतलब पंद्रह तो हो ही नहीं सकता मंथ बाकी जून फिफ्टीथ है ये तो इन्होंने मुझसे लिए थे दो डॉलर ठीक है जी देखो डोमेस्टिक थ्री टू फाइव डेज तो ये मेरा इन्होंने करा था अच्छा होता क्या अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे देते हो तो यहाँ पे आप डिस्प्यूट कर सकते हो ठीक है डिस्प्यूट मतलब आप बैंक वालों को बोलो कि जी मुझे इनकी सर्विस पसंद नहीं आई मतलब देखो झूठ है वैसे ही मैं अगर आपको टिप्स बता रहा हूँ अपना भाई लोगों को समझ के तो एक टिप्स है ये क्योंकि उस टाइम देखो मेरी नौकरी भी नहीं चल रही थी मेरे लिए तीन सौ डॉलर एक बहुत बड़ा अमाउंट था और आप भी समझ सकते हो पच्चीस से तीस हज़ार डॉलर देने सिर्फ ये ट्रांसफ़र कराने के बहुत ज़्यादा थे तो उस टाइम मुझे मेरे पास पैसे वैसे इतने नहीं थे तो मैंने इनको बोला था जी मेरे मेरे को इनकी सर्विस समझ नहीं आई ये सारे काम होने के बाद समझ रहे हो पहले आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे आपकी उन्होंने डिग्री को ऐसे कैसे इवेल्यूएट कर दिया और फिर उन्होंने कॉलेज को भेज दिया अब आपका काम डन राइट पढ़ाई करो तुम्हारी डिग्री ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है उनको पता लग गया कि आपकी डिग्री की ये औकात है और अब आप यहाँ पे पढ़ाई करो तो मेरा इनसे काम ख़त्म अब मुझे कोई इनसे लेन देन नहीं है तो मैं दोबारा अपने क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पे गया और मैंने जाके बोला कि जी मुझे इनकी सर्विस पसंद नहीं आ रही इसे बोलते हैं डिस्प्यूट क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट ये यूएस में बहुत कॉमन है यहाँ पे अगर आप एक बर्गर भी खाओगे ना बर्गर खा के स्वाद नहीं आया या उसमें चटनी कम थी या टेस्ट नहीं था थोड़ा जला हुआ है ख़राब है इसे बोलते हैं डिस्प्यूट तो खा भी लिया आपने घर आ जाओ घर आके दोबारा उसको अपने बैंक में जाके आप उसको डिस्प्यूट मार दो तो आपके वो $2, $4 दो डॉलर चार डॉलर भी हैं वो वापस आ जाते हैं आपके तो यहाँ पे बहुत कॉमन फंडा है बहुत अच्छी भी चीज़ है क्योंकि कई बार खाना वाना पसंद नहीं आया आपने खाया या कुछ आपने ऑनलाइन मंगाया वो खराब मिल गया या टूटा हुआ सामान था या वो वापस नहीं ले रहे आप तो उसे डिस्प्यूट बोलते हैं ये बहुत अच्छी टिप्स है मैं आज भी यूज़ करता हूँ डिस्प्यूट और ये बहुत कॉमन टर्म है यू में आने के बाद कुछ भी आप लेते हैं तो डिस्प्यूट कर सकते हो तो यहाँ तो मैंने झूठ बोला था टू बी वेरी ऑनेस्ट झूठ क्यों बोला था मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम तो वहाँ तो मतलब वही ना मरता क्या नहीं करता वो बात थी तो तो देखो मैंने डिस्प्यूट मारा मेरे को सितंबर में तीन महीने के बाद मेरे पैसे उल्टे आ गए थे तो मेरा काम भी बन गया तो मैं वही देख रहा था मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा है मैंने कहा कैंसल क्यों दिखा रहा है ये मेरा मैंने तो जब करा था मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कभी डिस्प्यूट किया था तो मैं बैठा बैठा यही देख रहा था कि यार ये डिस्प्यूट ये कैंसिल क्यों दिखा रहा है तो मेरे अब समझ आया कि अरे यार मैंने तो डिस्प्यूट मारा था उस टाइम मुझे अब याद है और तीन महीने के बाद देखो पैसे मेरे वापस आ गए एक ये क्रेडिट है रिफंड देखो रिफंड मेड सितंबर थर्टीथ 2014 तो मेरे पैसे भी उल्टे आ गए इसलिए कह रहे हैं बैलेंस ड्यू जीरो लेकिन मेरा काम बन गया था तो आप कर सकते हैं ऐसा अगर आपको चाहिए लेकिन सारे काम होने के बाद पहले अपनी सारी डिग्री विगरी ट्रांसफर करा लो वो कराने के बाद आपको ये करना है तो ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा वो ऑलरेडी पच्चीस मिनट हो गए इस वीडियो को तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि यू you नो know, सब लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ और पहले ही प्रेप जो यू you नो know, जो आपकी तैयारियां हैं इंडिया से ही शुरू कर लो अगर बाहर पढ़ाई करनी है तो यहाँ आके आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे केस में तो मेरे फादर चले गए थे अगर मान लो आपके कोई पेरेंट्स या फैमिली दूर है या नहीं जा पाती है जो भी है तो मैं नहीं चाहता आपको दिक्कत हो आप जैसे देख सकते हैं क्लियरली इनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है तो मुझे याद है उस टाइम मैं फ़ोन करता था कोई फ़ोन नहीं उठाता था डी में ठीक है आप ई भेजेंगे ई मेल पर कोई जवाब नहीं देता तो मुझे यहाँ बैठे बैठे मैं कम्यु, कम्यु, कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहा था इनके छः छः सात फ़ोन नंबर से कोई नहीं उठाता फोन करो तो और यहाँ तो वैसे ही उल्टा सुलटा है ना दिन का रात रात की दिन तो मैं उनको कॉल करता था वो फ़ोन पे जब कॉल भी नहीं उठाते थे कोई बात नहीं करता तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे तो अगर ये काम आप यूएस आने से पहले ही करवा लेंगे तो बहुत 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 अच्छा रहेगा आपके लिए तो एनी वे गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो उम्मीद करता हूं आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो हैव अ बाय।